वेरी क्रिटिकल। आप देख लो कि ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए है कि गाइडेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके गोल के साथ आपके जो स्टेप हैं मैच नहीं कर रहे। अब गोल क्या था इनका, ये गोल यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द एडिशनल पेपर फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर कंप्यूटर साइंस टीचर। इट मींस गोल क्या है, TGT PGT कंप्यूटर साइंस टीचर, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको MCA करनी होगी PGT के लिए, PGT के लिए। ओके, तो और मेरे ख्याल में कंप्यूटर साइंस आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ये ओके हो गया आपका, ठीक है। लेकिन TGT के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, लेकिन पैडागॉजी ऑफ BEd में ये रखा मैंने, BEd और पैडागॉजी, पैडा लिखूंगा पूरा नहीं, पैडागॉजी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस ये होनी चाहिए। अब इन्होंने किया क्या है, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएट मैथ, मैथ 3 साल पढ़े हैं, मैथ जरूर लेना चाहिए था, आई एम डूइंग विद मैथ। आपका मैथ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसके लिए आप TGT के लिए एलिजिबल हो, PGT के लिए नहीं, ठीक है। दूसरा, आपने साइंस पढ़ा है लेकिन यहाँ फिजिक्स है, यहाँ पर साइंस के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको 2 साइंसेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री या बायो साथ में, जहाँ और साइंसेज लंबी लिस्ट है वो दी गई है, उसमें से कुछ किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें की हुई, वो आपने नहीं की, दैट इज़ वाई आप साइंस के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये पक्का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का केस नहीं है, ये पंजाबी का और पंजाब का है, क्योंकि वो रिलैक्सेशन दे के BEd करवाते हैं, लेकिन जॉब के लिए आप लर्न कर लीजिए, वो आपने एलिजिबल कैसे होना है। तो आप सिर्फ एक के लिए एलिजिबल हो, मैथ, मैथ के लिए, साइंस का पेडागोजी है लेकिन साइंस का ग्रेजुएशन नहीं है। जहाँ तो आप ये एडिशनल पेपर दोगे, ये पता मुझे भी करना पड़ेगा कि क्या साइंस के एडिशनल पेपर कोई यूनिवर्सिटी देती है। दूसरा, आपने ये नहीं बताया कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ठीक। अब आपका एक गाइडेंस बनी है कि एडिशनल ये बनता है अगर साइंस की आपने लेनी है। दूसरा, अगर आपने PGT जो है PGT फिजिकल साइंस में जाना है, तो आप फिजिक्स की MSc करोगे, MSc ये बन रहा है, ये पॉसिबल है, पर वो करके आपको टीचिंग ऑफ साइंस नहीं, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस फिर पढ़नी पड़ेगी। आप पूरे चक्करों में पढ़े हुए हो, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस ये पढ़नी पड़ेगी, ये हो गया। और आप ये पूछ रहे हो कि तीसरा, कि आपने कंप्यूटर साइंस यहाँ पढ़ी है, इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, आपने आना इधर है, इट मीन्स वो मेरी गाइडेंस परे होगी, क्योंकि आपका वो एम नहीं है, आपको उसको अटेंड नहीं करोगे। वो मैंने क्यों बताया, कि जिनका ये कॉम्बिनेशन है उनको ऐसे सोचना है कि मैथ है ठीक है, जहाँ तो MSc मैथ की, PGT TGT दोनों के लिए क्लियर हो गए, फिजिक्स है तो पंगा तभी लीजिए अगर दूसरा सोशल जी नेचुरल साइंस है, आप उसकी ग्रेजुएशन में एडिशनल कर लोगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, तब TGT के लिए आप एलिजिबल बनोगे। तीसरा, ये आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट भी बेशक कम निकलती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आप ठीक हो, लेकिन आप एलिजिबल नहीं बन रहे, क्योंकि ना तो आपने पैडागोजी ऑफ ये आपने नहीं किया नंबर 1, और ना ही आपके पास अभी MCA है, ये आप कर लोगे इजी है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस बन रही है, आपने PGT TGT करनी है, तो आप BEd कंप्लीट करके, आपका उत्तर अब आपको मिल रहा है, आप BEd का एडिशनल पेपर BEd कंप्लीट होने के बाद यहाँ से 1 सेम, 2 सेम, 3 सेम, 4 सेम, उसके बाद ये 5वां सेम जो होगा आपका नहीं होगा, वो आपके एडिशनल का होगा, और 6वां सेम जो होगा वो 6वां सेम है नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो तब आप पैडागोजी दोगे 5th सेम में। ये फॉर्म आते हैं लगभग अगस्त के करीब, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस यूनिवर्सिटी का, ये बता दीजिए, तो ये आपको देने पड़ेंगे हर हालत में, और MSc आप कर लोगे, फिर आप TGT और PGT के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कुछ नहीं समझ लगा तो मेरे से दोबारा पूछिए, थैंक यू।